आज गांधी मेडिकल कॉलेज में 728 करोड़ के निर्माण कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम शिवराज सिंह ने किया। वहीं कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग। मंत्री सारंग ने कहा कि आज मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन है। जीएमसी के 2000 बिस्तर अस्पताल और इमरजेंसी मेडिसिन विभाग का लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज सिंह। आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में दर्ज होने वाला है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के उन्नयन की जो कटिबद्धता है उसको आज हम स्थापित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सरकारी सबसे बड़ा अस्पताल 2000 बिस्तर का अस्पताल गांधी मेडिकल कॉलेज में आज हम शुरू कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे शाम को 4 बजे गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में। 2000 बिस्तर का ये हमारा अस्पताल होगा, उसका लोकार्पण होगा और उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की लागत के भूमि पूजन के कार्यक्रम भी आज होंगे। उसके साथ ही यहाँ पर हम इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं और जिस प्रकार से कॉर्पोरेट अस्पतालों में विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं के साथ हम इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट शुरू कर रहे हैं, हमारी पंच लाइन है कि पहले इलाज फिर पर्चा। हम पहले इलाज कराएंगे उसके बाद उसका पर्चा बनेगा, पर्चा बनने में उसको कोई विलंब नहीं होगा। और हम हर महीने इस बात का ऑडिट करेंगे कि हमारे इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो पेशेंट आया उसको कितने मिनट में हमने इलाज उपलब्ध कराया। ये हमारी एक बड़ा प्रयास है और चिकित्सा शिक्षा के मामले में हम मध्य प्रदेश में लगातार नए नए काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये 2000 बिस्तर का अस्पताल इस बात को स्थापित करता है कि हम कटिबद्ध हैं। नरेंद्र मोदी जी के सपना जो इस देश में अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का है, शिवराज सिंह चौहान जी का प्रयास वाज फलीभूत हो रहा है। कांग्रेस को तो जनता के हित में कोई भी काम होगा तो उसको तंगड़ी अड़ाना है। कांग्रेस केवल कहती है हम करते हैं, कांग्रेस केवल घोषणा करती है हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कांग्रेस केवल लफाजी करती है हम विकास और कल्याण स्थापित करते हैं, कांग्रेस केवल विनाश करती है हम विकास करते हैं, कांग्रेस केवल जनता को गुमराह करती है हम जनता को सही राह दिखाते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर वर्ग को कल्याण मिले। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान।